एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। जल भराव से लोग परेशान हैं। लोगों ने अब जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह किया जाएगा। रामपुरा पाटन के पास जल भराव हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं लगातार। इसे लेकर शिकायतें भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब मजबूरन जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया है। गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा। तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर जल जमाव है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। रामपुरा पाटन के आसपास के कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है, जिसके वजह से हजारों लोग परेशान हैं। महेश सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, तस्वीरें तो हम खुद देख रहे हैं और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कितनी परेशानी हो रही होगी वहां पर लोगों को। अब जल सत्याग्रह का ऐलान किया गया है, क्या करेंगे आज ये प्रदर्शनकारी और क्या रणनीति आगे की? सबसे पहले जी प्रियंका, सबसे पहले तस्वीरों पे आपको ले जाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये रामपुरा रोड है, जिस पर कि जो आज लोग हैं खुद इस गंदे पानी में, जो सीवर से आने वाला पानी हो या फिर जो है गंदी नालियों का पानी हो, ये सड़कों पर जो है कई किलोमीटर तक जो है भरा हुआ है। और इस वजह से जबकि इस पर कोई खास तौर पर ध्यान नहीं दिया गया, तब जाकर के आज के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, वो इसी गंदे पानी में बैठ करके जल समाधि जो है वो उन्होंने ले ली है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस गंदे पानी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास तक जो है ये आप देखिए कि हमारी जो हमारे कैमरे के जरिए आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से इसी गंदे पानी में उतर करके लोगों को अपनी बात यहाँ पर जो है पहुंचाने के लिए इस तरह से यहाँ पर जल समाधि लेनी पड़ रही है। और अभी नगर निगम की टीमें हो या फिर जो है प्रशासन की टीमें हो, आपदा विभाग की जो टीमें हो, जो यह दावा करती है कि जल भराव की जो सिचुएशन है उस पर वे कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। और इस लिहाजा यहाँ पर स्थानीय निवासियों का गुस्सा उमड़ पड़ा है। लोग किस तरह से गंदे पानी में ही बैठ करके जो है अपनी नाराजगी यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं वो देखिए आप। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जयपुर की, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिटी का दावा हम लोग करते हैं, स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, और इसकी पूरी पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। जो मैं सहयोगी शेर सिंह से कहूंगा कि वे यहाँ पर तस्वीरों को दिखाए किस तरह से इसी गंदे पानी में लोग बैठे हुए हैं। और ये घुटने तक जो पानी है वो कई दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा था, एक पखवाड़ा हो गया है। आज खुद यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस गंदे पानी में क्यों बैठे हैं? इस गंदे पानी में हम लगातार सरकार, नगर निगम और जेडीओ को अवगत करा चुके हैं कि बारिश की वजह से कई कई दिनों तक ये पानी भर जाता है और रामपुरा रोड पर लगती हुई सैकड़ों कॉलोनियां पानी में डूब जाती है। लेकिन अभी तक सरकार, नगर निगम और जेडीओ के अधिकारी के द्वारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया हमारी समस्या का। हम सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि इस गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। ये आमरण अनशन हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक कि सरकार द्वारा बड़े आकर्षित आपने किया इस गंदे पानी में बैठ के जल समाधि आप ले रहे हैं। कोई आया है आपसे बात करने के लिए, कोई जनप्रतिनिधि या कोई आपसे बात हो पाई है? अभी तक सरकार की तरफ से और निगम प्रशासन और जेडीए की तरफ से कोई नहीं आया, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। सांगानेर अविकसित क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र के अंदर सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार गंदे पानी की मार की वजह से काफी परेशान हो रहा है। मांगने लोग जरूर आएंगे लेकिन समस्या का समाधान नहीं करेंगे। पानी की हालत तो इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा 20 साल से पानी में जी रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पानी की। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो इसी गंदे पानी में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बोलो जी, बताइए बताइए आगे आकर के। जगह नहीं है हमारे, जगह नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल ग्राहक ने तो आता है ना जाता है, घरों में पानी भर जाता है, घरों में सब जगह पानी भर जाता है। बताइए क्या कब से ये पानी भरा हुआ है आप लोगों के यहाँ पर, कब से पानी भरा हुआ? पानी भर जाता है हमारे, परेशानी होती है, खाली नहीं हो रहा है, यही समस्या हर बार समस्या हो रही है। 25 साल हो गए, पानी खाली नहीं हो, निकासी नहीं है। मेन रीजन ये है कि पानी की निकासी नहीं है। कितने किलोमीटर तक पानी भर जाता है यहाँ पे? 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर पानी जाया और हर गली में नहीं। इसी पानी में, इसी जल भराव में आप लोगों को जीना पड़ता है, यहाँ पर इसी में निकलना पड़ता है, इसी में जीना पड़ता है, इसी में निकलना पड़ता है और पूरी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। कब तक आप बैठेंगे यहाँ पर इस पानी में, इस जल भराव में? सर तो हमारे को निर्णय नहीं लिखा है, नारे में जगह नहीं छोड़ेंगे, भले इस पानी में मर जाए, बाहर बारिश आओ, धूप पड़ा, भूखा मरेंगे, तीसरे मरेंगे, ये जगह नहीं छोड़ेंगे हम। निश्चित काल के लिए धरना दे दिया। मैं जी नजदीकी मोक्ष धाम है और इस मोक्ष धाम में भी
अंत्येष्टि के लिए ऐसी पानी गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। हमने कई बार हमारे एमएलए साहब को चुनाव लड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को, एमपी साहब को, सरकार को और सरकार के अधिकारियों को कई बार लिख चुके, अवगत करा चुके। आज मजबूर होकर जल छोड़ होकर के बैठे हो आप सभी बड़े सारे गंदे हो रहे हैं। हमारा निर्णय है जब तक नाले का निर्माण नहीं करवाएंगे, जब तक सेक्शन नहीं होगा, जब तक नहीं उठेंगे, चाहे यहाँ भूखे मरे चाहे प्यासे मरे। लेकिन इसमें आपके सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, आप जो है ये इसी गंदे पानी से बीमारी भी हो सकती है, इसकी परवाह नहीं आपको? बिल्कुल परवाह नहीं है, 1% परवाह नहीं है। हम जनता के साथ हैं, जनता जनार्दन होती है और सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है। ये जो नगर निगम प्रशासन है, जेडीए प्रशासन है, यहाँ की सुध नहीं है। यहाँ 20 सालों से बीजेपी का राज चला रहा है, 20 सालों से यहाँ बीजेपी का राज चलता रहा है। बताइए यहाँ की मेन समस्या ये आप देख ही रहे हो सर, और यहाँ के अलावा यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ होते हुए भी शाम को सड़कों पे नो एंट्री का साधन, यानी बड़े बड़े साधन चलते हैं, नो एंट्री का अभी तक फरमान जारी नहीं हुआ। तो देखिए आप किस तरीके से जो परेशानी है वो यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये गंदा नाला कह दीजिए जो तब्दील हो गया है, ये बहुत ही मुख्य सड़क है शहर की और शहर का मेन इलाका है। रामपुरा रोड है जो गांव को शहर से कनेक्ट करता है और मुख्य रोड तक ले जाता है। भले अजमेर रोड तक भी अगर आप जा रहे हैं तो इसी रोड से आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन ये कई किलोमीटर तक जो है ये पानी भर जाता है और इसी पानी में आप सोचिए कि 15 दिन। बिल्कुल महेश, तस्वीरें शर्मनाक है। जिन मामलों पर प्रशासन को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उन चीजों के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, गंदे पानी में उतरना पड़ रहा है। हालांकि न्यूज 18 भी लगातार अपने सरोकार निभाता है और यही वजह है कि आप भी उस गंदे पानी में उतरे हुए हैं ताकि ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके और लोगों को ये पता चले कि क्या हालात है वहां पर। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कम से कम अब कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मैं वैसा हूँ। धर्मनगरी वाराणसी में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु आकर बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन लाखों लोग ऐसे भी भक्त हैं जो किसी कारणवश बाबा के दरबार में आने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन उन्हें निराश होने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें घर बैठे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, डाकिया उनके घर तक प्रसाद पहुंचाएगा। दरअसल डाक विभाग ने प्रसाद का एक ऐसा पैकेट तैयार किया है जिसमें शिव यंत्र, रुद्राक्ष, भस्म, चंदन, मेवा, मिश्री